ये गाड़ी किसकी है? तुम इधर आओ। पार्किंग के इंचार्ज सुबह हो? हाँ साहब, क्या हुआ? क्या हुआ, ये इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? हाँ साहब, दिखाई दे रही है। जब ये आदमी अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे चिपका रहा था तो तुम क्या सो रहे थे? नहीं साहब, मैं टॉयलेट गया था। इसी वक्त जाना था तुम्हें टॉयलेट? मुझे गाड़ी निकालनी है अभी इसी वक्त। जाओ उस आदमी को ढूंढो या फिर इस गाड़ी की चाबी लेके आओ। जाओ। जी साहब। गाड़ी मुझे आज ही निकालनी है। हाँ साहब, समझ गया। जल्दी। Oh my God! सुनो भाई, मेरी वाइफ मनीषा का जन्मदिन है। अच्छा। उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ऐसी ज्वेलरी दिखा ना जिसे देख के उसकी होश उड़ जाए। ये देखिए सर। ये कितने का है? 30,000। 30,000? थोड़ा सस्ता वाला दिखाना। ये देखिए। मास्क पहन के यहाँ तो शायद किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में से आ रहे होंगे ज्वेलरी खरीदने के लिए। और ये देखिए सर। ए, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए, सब लोग जमीन पर लेट जाओ। कोई हिलेगा नहीं। तू भी। चल सो जा। चलना है। नीचे, नीचे, नीचे। सुनता नहीं। चल सो जा, लेट जाओ सब। नीचे झुक। और कोई बोलेगा नहीं। लेट जा। ए, चल नीचे। ए, लेटना। अरे, अरे सुनो भाई। अब, अरे। ए, हिल मत। चल, लेट जा। ए, तू, तू उधर ऊपर चल। अरे, एक मिनट। चल, चल, चल। इनके पास तो असली गन है। ए, इस बैग में जितना ज्वेलरी सब डाल, जितना कैश है वो भी डाल। ये जानते नहीं है मैं कौन हूँ। अपनी गन निकाल दो। चल जल्दी कर, जल्दी कर। ए, कोई हिला तो गोली मार दूंगा। ए, तुम लोग नीचे चुको। मेरी गन कहाँ गई? कहीं रास्ते में गिर चुकी। सुना नहीं क्या तूने? दूं क्या गोली? एसीबी साहब को क्या जवाब दूंगा? वो मेरा हलवा बना देंगे। ए, हिलना मत, हिलना मत। नहीं, कहीं मनीषा ने तो मेरी जेब में से गन निकाली। कोई उठेगा नहीं। उसे कहीं ना पका कि मेरी जेब को हाथ मत लगना। लेकिन नहीं, सरप्राइज तो मैं उसे देने वाला था। लेकिन मुंह पीछे। आज ऐसा सरप्राइज दिया है जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। ये कौन बात कर रहा है यहाँ पर? कौन बात कर रहा है यहाँ पर? अबे कंट्रोल कर, संभाल ले। कौन है? मनीषा की वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। मनीषा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुम्हें परेशान करती रहेगी। इतना परेशान करती रहेगी कि तुम जिंदगी भर अपने आप को कुछती रहोगी कि तो मैंने फ्रेडी की जेब में से गन निकाली। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? अबे पागल हो गया देखा तू? गोली की आवाज सुन के कोई आ जाएगा ना? अरे आ गया तो उसे भी छोड़ दूंगा। अबे क्या किया मैं? मेरी कमर तोड़ दी। फ्रेडी से टक्कर? मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। अरे ये तो सीआईडी ऑफिसर है। अरे इन्होंने तो हमारी जान बचाई है। सियानी सदर फ्रेडी की जय। 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 आवाज ये एक लंबी कहानी है सर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहाँ पे? होटल मोहो। अभी आया सर। सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुम गाड़ी यहाँ लगाते ना ये सब होता। अरे घंटे भर से वही बकवास किए जा रहे हो। मानता हूँ मैंने गाड़ी गलत जगह पार्क की, लेकिन नुकसान किसका हुआ? मेरा ना। गाड़ी टूट गई, उसका कांच टूट गया। वो एक मिनट, आपकी गाड़ी के अलावा यहाँ पे एक आदमी की मौत भी हुई है, समझे आप? वो तो ठीक है सर, लेकिन तुम जरा चुप रहो। विक्रम जी, आप ये बताइए, जब ये आदमी ऊपर से गिरा तो आपने क्या देखा था? जी मैंने देखा कि ये आदमी ऊपर से कांच तोड़कर इस गाड़ी पर आकर गिरा। जब ये आदमी ऊपर खिड़की से कूद कर नीचे गिरा तो साथ में कोई था? जी मैंने किसी को पीछे देखा नहीं। आप
आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी सर। तो आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी हाँ सर, ये डॉक्टर रमित है। डॉक्टर रमित, ये आदमी आपके होटल में ठहरा था? नहीं नहीं सर, ये यही हमारे होटल में रुके हुए थे। कौन से रूम में? यही रूम नंबर 1200 में। 1205। कांच टूटा है मगर कमरा एकदम ठीक ठाक है। मैनेजर साहब, ये डॉक्टर रमित पहली बार आए थे क्या इस होटल में? नहीं सर, इससे पहले भी वो कई बार यहाँ रह चुके हैं। अच्छा, तो वो अकेले थे या उनके साथ में कोई और भी था? अकेले ही थे सर, वो कोई नहीं था उनके साथ। अकेले? ये क्या? आत्महत्या की चिट्ठी, साइड नोट। मैं डॉक्टर अमित अपने पूरे होश आवाज में अपनी जान दे रहा हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मैं। सुसाइड नोट भी छोड़ के गया है। दया, अगर डॉक्टर अमित को आत्महत्या करनी थी तो फिर किसी और तरीके से भी कर सकता था, कांच तोड़ के क्यों कूदा वो? हाँ, कूदना ही था तो खिड़की खोल के आराम से नीचे कूद सकता था। ऐसे कांच तोड़ के उसे नीचे कूदने की क्या जरूरत थी? कुछ गड़बड़ है दया, यही कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खोल ले, नॉक करो। फिर से नॉक करो। नहीं सर। सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो सकता है, अंदर चल के देखते हैं। सॉरी, वो हमें लगा कि हम डॉक्टर रमित के बारे में कुछ बात करने आए हैं। डॉक्टर रमित? क्यों, आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। और आप? जी जी जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, और चांदनी। कहिए क्या बात करनी है आप लोगों को? वो आपको एक खबर देनी थी, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? जी, डॉक्टर रमित ने अपने होटल के कमरे से कूद के अपनी जान दे दी। कौन? माय गॉड, संभालिए अपने आप को, आइए अंदर चलिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब बैठ जाओ। क्या होगा? अब बैठ जाए। मुझे मालूम था ये होने वाला है। आपको मालूम था? कैसे? कुछ दिनों से रमित किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। किस बात को लेकर परेशान थे? आपने पूछने की कोशिश नहीं की उनसे? किसी रिसर्च को लेकर बहुत परेशान थे। रिसर्च? कैसी रिसर्च, उन्होंने कभी बताया आपको? नहीं बताया उन्होंने। ये आपके पति करते क्या थे?
वो एक साइकियाट्रिस्ट थे। साइकियाट्रिस्ट? ओह, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम उनका स्टडी रूम देख सकते हैं? जी प्लीज। ऊपर ये रहा रमित का स्टडी रूम। आप आ जाइए, बैठ जाइए। इस कमरे की तलाशी लेते हैं, शायद यहीं पे पता चल जाए कि डॉक्टर रमित के रिसर्च का राज क्या है। काफी संभाल कर रखी है चाबी, मतलब ये कोई मामूली चाबी नहीं है। चांदनी जी, क्या आप जानती हैं ये चाबी किस चीज की? नहीं, मैंने ये चाबी पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, देखने में तो ये चाबी किसी ड्रॉअर या लॉकर की लगती है। अच्छा, एक काम करो, इस घर में जितने भी ड्रॉअर्स, लॉकर्स या कैबिनेट्स हैं सब पे ये चाबी लगा कर देखो। यस। आप जरा आइए प्लीज। चांदनी जी, आपने कहा कि डॉक्टर रमित को काफी टेंशन थी रिसर्च के बारे में, इस टेंशन के अलावा किसी और चीज की परेशानी थी उन्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। ये बताइए कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था ना? मेरा मतलब है कि आप लोगों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? ये कैसा सवाल है? देखिए, ये एक रूटीन इंक्वायरी है और इस तरह के सवाल हम अक्सर पूछते रहते हैं। नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं। सर, ये चाबी इस घर की नहीं है। चांदनी जी, डॉक्टर रमित का कोई क्लिनिक वगैरह तो होगा ही ना? जी हाँ, है। कहाँ पे है ये क्लिनिक? ये डॉक्टर सालों के बिना। क्या हुआ डॉक्टर तारिका? मुझे वहां से किसका ही दिया? क्या, क्यों? वो बस मैं उनसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी। सवाल पूछने से मना किया? सवाल पूछना कोई गुनाह है क्या? तो ये बात आप खुद ही उनसे पूछ लीजिए ना। उनसे तो, उनसे मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। क्या पता क्या चला आपको वहां पे? LSD। LSD? हाँ, डॉक्टर अमित के पेट में से और खून में से हमें LSD मिला है। What?
ये मैं क्या सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब? क्या एलएसडी मिली है? हाँ, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथेलमाइड। ये वही एलएसडी है ना जिसे खाते ही दिमाग घूमने लगता है? खा करके भी फ्रेडी, पी करके भी, या फिर इंजेक्शन लगा करके? कहीं ऐसा तो नहीं कि एलएसडी लेने के बाद इस रमित का दिमाग घूम गया और इसने होटल के कमरे से छलांग लगा दी? हो सकता है, बस इसके पेट में एलएसडी है अभी भी है। इसका मतलब ये है कि 2-2.5 घंटे हुए होंगे इसे एलएसडी लिए हुए और इसने छलांग लगा। अच्छा, और इतना ही नहीं अभिजीत, एलएसडी के साथ साथ हमें इसके पेट में से अल्कोहल भी मिला। शराब भी? हाँ। तो कहीं इसने शराब में एलएसडी मिला के पी ली क्या? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पहले इसने एलएसडी ली और जब एलएसडी का नशा गहराया तो इसने शराब भी ली, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले इसने शराब पी और जब शराब का नशा चढ़ा तो इसे एलएसडी लेने का शौक भी चढ़ाया, कुछ भी। अब हमें ये पता लगाना है कि ये शराब और एलएसडी इसने खुद ली है या किसी ने इसे जबरदस्ती दी है। Excuse me. जी, आप लोग अपॉइंटमेंट लेने आए हैं? नहीं, अब अपॉइंटमेंट लेने का कोई फायदा नहीं। मतलब? मतलब डॉक्टर रमित इस क्लिनिक में वापस कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब? वो अपना क्लिनिक छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं, उनकी मौत हो चुकी। What? ये क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, क्या होगा हमारा? कौन करेगा अब हम लोगों का इलाज? देखिए देखिए, प्लीज डोंट पैनिक, प्लीज काम डाउन। मैं आप लोगों की हालत समझ सकती हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं डॉक्टर रमित जैसे ही अच्छे और होनहार डॉक्टर से आप लोगों को मिल पाऊंगी और वो आप लोगों का इलाज करेंगे। प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। मगर मैडम। प्लीज चलिए आप लोग मेरे साथ, प्लीज। आ भी जी। क्या एलएसडी? अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? डॉक्टर रमित के खून में एलएसडी मिला है। You mean वो ड्रग? हाँ। डॉक्टर रमित की मौत कैसे हुई? तुम अपने होटल के कमरे से कूद के जाते। What? लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे मालूम? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। क्या आपको पता है कि डॉक्टर रमित किस चीज पे रिसर्च कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली वो अपने रिसर्च के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, सबसे छुपाते थे। अच्छा, तो सचमुच आपको कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में? हाँ? जी नहीं। ये देखिए, इस चाबी को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसके बारे में आप कुछ जानती? नहीं, मैं इस चाबी के बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, आप हमें डॉक्टर रमित का कैबिन दिखाइए। जी वो कैबिन देखना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। चलिए दिखाइए। जी इस तरफ। डॉक्टर रमित का कमरा, इस चाबी का राज भी इसी कमरे में छुपा होगा। ध्यान से देखो। Thank you.
सर ये देखिए यहाँ पे एक लॉकर, एंटी लॉकर। आपको मालूम है इस कमरे में एक लॉकर था? जी नहीं। नहीं, आपको इस लॉकर के बारे में कुछ नहीं मालूम, उस चाबी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। खोल के देखो। ये एलएसडी तो नहीं? एलएसडी? एलएसडी के एक बूंद में काफी नशा होता है। उसे ये देखिए, इस रिसर्च में क्या लिखा हुआ है कि आदमी पे एलएसडी का क्या असर होता है। ये देखिए, डॉक्टर अमित के खून में एलएसडी, डॉक्टर अमित के रिसर्च में एलएसडी। ये डॉक्टर अमित खुद पे कोई रिसर्च कर रहे थे क्या कि इस एलएसडी का शरीर पे क्या असर होता है? जी मैं कैसे बता सकती हूँ सर। ये क्या? डॉक्टर अमित ने अगर मरने से पहले एलएसडी ली थी तो हो सकता है वो सुसाइड नोट उसने नशे की हालत में लिखा हो, फिर बाद में नशा बढ़ने लगा, हेलुसिनेशन आने लगे, मतलब जो चीजें हैं नहीं वो दिखाई देने लगी, दिल में कभी डर कभी यूफोरिया आने लगा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और इसी हालत में डॉक्टर रमित ने कांच तोड़ के खिड़की से छलांग लगा दी। एक बात समझ में नहीं आ रही, वो कांच तोड़ के ही नीचे क्यों कूदा? खिड़की खोल के भी तो कूद सकता था। अभिजीत, डॉक्टर रमित के ऑफिस में एक लॉकर मिला है, वो भी छुपा हुआ। अच्छा हाँ, और ये देखो लॉकर में क्या छुपा के रखा हुआ था। एलएसडी? ये क्या, वो रिसर्च भी एलएसडी पे ही कर रहा था? और ये पेशेंट्स की लिस्ट? हाँ, पेशेंट्स की लिस्ट, ये उन मरीजों के नाम हैं जिन्हें वो एलएसडी खिलाकर ये देख रहा था कि उन पर क्या असर होता है, ऐसे रिसर्च कर रहा था। मगर देखा, अगर वो दूसरों को एलएसडी खिला के देख रहा था तो उसने खुद एलएसडी क्यों खाई? हाँ ये बात तो है, एक डॉक्टर जो दूसरों को एलएसडी खिलाकर रिसर्च कर रहा था वो खुद एलएसडी क्यों खाएगा, ये बात जरा खटकती है। और तो और, डॉक्टर रमित के कमरे में हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि उस समय वहां पे कोई दूसरा आदमी मौजूद था। अब कोई सफाई से आके निकल गया हो तो कह नहीं सकते। जी, डॉक्टर रमित के होटल रूम में एक बार फिर से चल के देखते हैं। से कूदा था वो, एक दो तीन चार पांच। अगर डॉक्टर रमित ने आत्महत्या करने के लिए यहां से भाग के भी छलांग लगाई है तो भी उसकी बॉडी इतनी दूर जाके नहीं गिरती। और अगर वो यहां से नहीं भागा है तो यहां पे खड़ा होगा ऐसे, तभी पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया होगा। और सर, जिसने भी डॉक्टर रमित को धक्का मारा है उसी ने एलएसडी भी मिलाई होगी उनके ड्रिंक्स में। बिल्कुल फ्रेडी, क्योंकि ये दरवाजा और होटल का ये कमरा बिल्कुल सही सलामत है। इसका मतलब ये है उसे डॉक्टर रमित अच्छी तरीके से जानते थे, वो इस दरवाजे से अंदर आया और शायद यहीं पे यहां बैठ के उन दोनों ने शराब पी और किसी तरीके से मौका देके उस आदमी ने उनकी ड्रिंक में एलएसडी मिला दी। एलएसडी का नशा जब चढ़ने लगा डॉक्टर रमित अपने होश और हवास खो बैठे। किसी तरीके से वो आदमी यहां ले आया और यहां से उन्हें धक्का मार के गिरा दिया, काम खत्म। अभिजीत, जो कोई भी था बहुत होशियार था, उसने यहां पे एक भी सबूत नहीं छोड़े।
यहां तक कि उसने वो शराब की ग्लास वो भी साथ ले गया। तय खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो करता ही है। इस कमरे को फिर से देखते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। ऐसा हो कैसे सकता है सर? पसीने छूट रहे, मैं एसी लगाता हूं। हाँ कर लो यार। एक रेडी। एसी? काफी अंदर है सर। ये रेडी, जरा डॉक्टर रमित के कपड़े लाओ, हमें भागते चोर की लंगोटी मिल गई है। एक छोटी सी लंगोटी? लंगोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, हमारी इज्जत बचा सकती है। लेके आओ। फाइबर इसमें तब फंसी होगी जब एसी का एग्जॉस्ट ऑन होगा। सर नारंगी रंग का फाइबर, डॉक्टर अमित के कपड़े में कोई नारंगी रंग का कपड़ा तो है नहीं। सर डॉक्टर रमित जब मरे थे तो उनके बदन पे नीले रंग का शर्ट और काले रंग की पैंट थी। हाँ, पर ये कलर होटल के स्टाफ के कपड़ों से भी नहीं मिलता है, कहीं ये खूनी के कपड़ों के तो नहीं है? यही मान के चलते हैं, अब ये फाइबर हमें खूनी तक पहुंचाएगा। तो ध्यान से देखिए आप लोग इस धागे को, इस रंग का कपड़ा पहने आपने किसी आदमी को देखा है क्या? कोई भी कपड़ा हो सकता है, किसी भी तरह का कपड़ा हो सकता है, पर इसी रंग का है। ध्यान से देख के बताइए। मैंने देखा था सर इन्हें। तुमने देखा ना? किसको? धनेश। धनेश? सर आज सुबह ही मैंने उन्हें इसी कलर का शर्ट पहने हुए देखा था। धनेश, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है ना? धनेश। ये जो डॉक्टर रमित के पेशेंट की लिस्ट थी उसमें धनेश का नाम था। ये धनेश डॉक्टर रमित का पेशेंट था? ये धनेश इस होटल में ठहरा हुआ? जी जी सर, यही। रूम नंबर क्या है? ये रूम नंबर 1201 में सर। 1201? ये तो डॉक्टर रमित के सामने वाला कमरा है। ये धनेश अभी भी रूम में है? जी हाँ सर, वो डॉक्टर रमित की मौत के बाद मैंने किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दिया है। सभी गेस्ट अपने कमरे में मौजूद हैं सर, अगर आप चाहें तो सर चल के इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग आइए हमारे साथ। जी सर। सर ये क्या कर रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास चाबी है इसकी। चाबी तो खोलो जल्दी। आप जी सर। आइए आइए सर। दनेश?
बारे में तो कोई नहीं है? बाथरूम में भी कोई नहीं है? आप तो कह रहे थे कि कोई बाहर नहीं गया इस कमरे से? सर सर यही था कमरे में थे तो धनेश कहाँ गया? कमरा खा गया क्या उसको? सुनो तुम तो रिसेप्शन पे थी ना? जी हाँ सर, मैं पूरा दिन वहीं थी। तो फिर क्या तुमने धनेश को होटल से बाहर जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। वो ठीक से याद करके बताओ इन लोगों को। मैं सर पूरा दिन वहीं पर। Oh my God. क्या हुआ? सर मैंने एक आदमी को देखा था। कौन था वो आदमी? ठीक से याद करके बताओ। सर जब मैं रिसेप्शन छोड़कर बाकी गेस्ट को समझाने के लिए गई तो नहीं नहीं हमें ऑर्डर दिया गया है कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये क्या मजाक है ये? प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें कुछ समझना नहीं है, बस हमें जाने दीजिए यहाँ से। मेरी नौकरी चली जाएगी, सीआईडी की पूछताछ चालू है, जब तक सीआईडी की पूछताछ नहीं हो जाती तब तक आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अरे इसमें हमने क्या किया है? अगर वो अपने कमरे से कूद पड़ा है तो उसमें हमारा क्या कसूर? मैं समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन सीआईडी का मामला है। किसी का भी मामला हो, हमें तो ये भी पता नहीं कि हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है। अगर आप ज्यादा देर हमें रोकेंगे तो हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। देखते हैं कौन रोकता है हमें। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से ये धनेश चकमा देकर निकल गया। सॉरी सर। ठीक है, आप उस धनेश का स्केच बनवा सकती हैं? जी हाँ। वेरी गुड, काम करते हैं, पूरे कमरे को सर्च करते हैं। आइए। आप सब पीछे आइए प्लीज। जरा मैच करके देखो। शायद वही ग्लास है जिसमें डॉक्टर अमित और धनेश ने शराब पी होगी। परफेक्ट मैच सर, लेकिन सर उसे वो बेल बॉय का कपड़ा मिला कहां से होगा? यही मैं भी सोच रहा हूं कि किसने दी होगी वो ड्रेस। धनेश यहां से गया तो गया कहां? फोन? इस धनेश ने यहां से कोई कॉल किया था क्या? जी हाँ सर, एक फोन किया था। वेरी गुड, तो कॉल का रिकॉर्ड रखते हैं ना आप लोग? जी हाँ सर। वो नंबर दीजिए जरा, पता करो ये किसका नंबर है। Are you sure? खबर पक्की है? Okay, thanks. सर पता चल गया कि दानिश ने किसको फोन किया था होटल से। किसको किया? कोई पुलकित नाम का आदमी है सर। पुलकित? जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये नाम डॉक्टर अमित के लिस्ट में देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलकित भी मिला हुआ डॉक्टर अमित के खून में? इस पुलकित का मुंह खुलवा तू, पता चल जाएगा। पुलकित, पुलकित, दरवाजा खोलो पुलकित। दरवाजा क्यों खोल रही है? पुलकित पुलकित घर में है या नहीं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलकित हमारे हाथ से निकल गया? हाँ, गुनाह किया है तो भागने की भी तैयारी की होगी।
यही पुलकित है। हो सकता है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दानिश ने पुलकित का पत्ता भी साफ कर दिया? हो सकता है। के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए, बाय। हाय जान, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ। नाराज हो क्या? तुम्हारा मोबाइल भी ट्राई किया था, मोबाइल भी बंद करके रखा है। मुझे माफ कर देना। कॉल मी प्लीज, बाय, सी यू, लव यू। सर देखते हैं कि कोई और मैसेज है क्या। मैंने तुम्हें होटल से फोन किया, तुमने फोन क्यों काट दिया? मैं जानता हूं तुम मेरा भांडा फोड़ने वाले, लेकिन याद रखना, जहां भी छुपोगे वहीं आके मारूंगा तुम्हें, याद रखना। सर ये आवाज कहीं धनेश की तो नहीं? हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल मोहन से निकलने के बाद उसने फोन किया और यहां आके पुलकित को मार दिया? ये भी हो सकता है। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कि धमकी सुनने के बाद पुलकित यहां से भागा क्यों? हाँ, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, इस मैसेज को फिर से एक बार सुनते हैं। तुमने फोन क्यों काट दिया? मैं जानता हूं तुम मेरा भांडा फोड़ने वाले, लेकिन याद रखना, जहां भी छुपोगे वहीं आके मारूंगा तुम्हें, याद रखना। सुना, इस आदमी की आवाज के पीछे एक अजीब से घिसने की, किसी मशीन के घिसने की आवाज आ रही। हाँ, ऐसा लगता है कि उसने किसी पब्लिक बूथ से फोन किया होगा और उसके आसपास कोई कारपेंटरी वगैरह का काम चल रहा हो। तो एक काम करते हैं, सारे वो पीसीओ चेक करते हैं जिनके आसपास कारपेंटरी का कोई काम चल रहा है। जरा ये स्केच देखिए। दिखाइए। जरा ध्यान से देखिए, ये आदमी कभी यहाँ पे आया था फोन करने के लिए? इसका नाम हम कुछ मालूम है आपको? नाम तो साहब मैं इसका जानता नहीं, लेकिन ये आदमी है बहुत अजीब। अजीब है? जी हाँ। कहाँ रहता है यार? एक बार ये किसी से फोन पे बात कर रहा था और बोल रहा था कि ये बंदर नगर में रहता है। बंदर नगर? कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं। आपको पानी वाला दो, माड़े वाला दो साहब? पानी वाला दो। अच्छा, तो आने वाला चाहिए। हेलो बेटा, जोकर अंकल आपको प्यार से आइसक्रीम खिला रहे। थैंक यू बेटा। ये ले लो, तू ले।
ये आदमी है वो। हेलो। हाँ सर, ये वही आदमी है। यही है। कौन? क्यों किया तुमने ये सब? डॉक्टर रमित ने अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया हम लोगों को। वो रोज मुझे एलएसडी खिलाने लगा और कहने लगा इससे दुनिया को बहुत फायदा हुआ, तुम्हें भी होगा। आखिर मैंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया, करता भी क्यों नहीं? वो डॉक्टर थे मेरे। अजीब अजीब चीजें होने लगी मेरे साथ, हाथ कांपने लगे, रात को भयानक भयानक सपने आने लगे मुझे। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। तुम्हारा दिमाग इतना खराब होने के बाद भी प्लान काफी शातिर बनाया तुमने डॉक्टर को मारने का। हाँ, मुझे पता था डॉक्टर अमित ज्यादातर होटल मोह में ठहरते हैं, इसलिए मैंने उनके कमरे के सामने वाला कमरा ले लिया। डॉक्टर अमित तुम्हें वहां देखकर चौंके नहीं? चौंके? चौंके वो मुझे देखकर जब मैं उनके दरवाजे पे गया तो मुझे यहाँ देखकर? नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम यहाँ इस होटल में क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था, उसी को पूरा करने आया। क्या जरूरी काम? बताता हूँ, एक ड्रिंक मेरे लिए। ओ शो, तुमने बताया नहीं क्या जरूरी काम था? बताता हूँ, थोड़ा सब करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। उस बेचारे को तो पता भी नहीं चला कि उसकी विस्की में एलएसडी मैंने मिलाया था। तुमने पुलकित को क्यों मारा? मैंने एलएसडी के नशे में पुलकित को बता दिया कि मैं डॉक्टर अमित को खत्म कर दूंगा। फिर मुझे समझ में आया मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने उसे पीसीओ से फोन किया कि मैं आ रहा हूं। मुझे लगा कि वो भाग जाएगा, पर जब मैं वहां पहुंचा तो पुलकित एलएसडी के नशे में धुत था। फिर मैंने उसे भी मार दिया। डॉक्टर रमित ने जो किया वो तो ठीक नहीं था, लेकिन तुमने जो दो दो खून किए उसकी कोई माफी नहीं, शायद फांसी ही होगी तुम्हें। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.